गुड्स मार्केट एक्ब्रियम सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट डे स्टूडेंट्स आज हम गुड्स मार्केट की इक्ब्रियम की बात करेंगे हम अब तक जो चीज़ें इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं लेबर मार्केट पर हमने बात की थी लेबर मार्केट एक्ब्रियम और वहाँ से फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन डिटरमिन होती है और वो फिर गुड्स मार्केट में सप्लाई साइड बन जाती है इसके बाद हमने डिमांड साइड के कंपोनेंट को डिस्कस किया डिमांड साइड के तीन मेजर कंपोनेंट है डिज़ायर्ड कंजम्पशन डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम इन अलग-अलग बात कर चुके हैं कि कंजम्पशन कैसे डिटरमिन होती है इन्वेस्टमेंट कैसे डिटरमिन होती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर भी हम बात कर चुके हैं सो गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम कब होगा व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हाई द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये कहाँ से डिटरमिन होगी मैंने बताया लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम वहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमिन होता है और उसको यूज़ करके फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि टोटल इतनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी ओके okay? तो so, वो जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो गुड्स मार्केट में सप्लाई बन जाएगी ये सप्लाई साइड है ओके okay? और हम अज्यूम कर चुके हैं कि पुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ठीक है और ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये फिक्स है डिमांड साइड पर तीन कंपोनेंट हैं तीन तरह से डिमांड जनरेट होती है कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट से और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से सी डी द डिजायर्ड कंजम्पन आई डी द डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एंड जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओके ये जो गुड्स मार्केट की इक्बरियम की कंडीशन है अभी हमने बात की लेफ्ट साइड पर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं और राइट right साइड पर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं सो ये दोनों जब सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होगी तो गुड्स मार्केट क्लियर हो जाएगी ये जो कंडीशन है इक्वरियम की ये उससे डिफरेंट है जो हम इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी की फॉर्म में हम पढ़ते आए इन दोनों में डिफरेंस क्या है लेफ्ट हैंड साइड तो ऑब्वियसली सेम है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट द राइट हैंड साइड पर डिज़ायर्ड कंजम्पशन की बजाय एक्चुअल कंजम्पशन और इसी तरह डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट की बजाय एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है और जी और ऑब्वियसली ये सारी डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये हम थ्री सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं और फॉरेन सेक्टर को हमने इसमें से एक्सक्लूड किया हो या हम ये कह सकते हैं कि नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीरो हम इस पर फोकस कर रहे हैं थ्री सेक्टर मॉडल पर सो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस वो आपको मदद करेगा इन दोनों चीजों के फर्क को समझने के लिए डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट वो है जो फॉर्म्स इन्वेस्ट करना चाह रही हैं लेकिन समटाइम्स फार्म्स ने जो कुछ प्रोड्यूस कर लिया है वो उनका मार्केट में सेल नहीं होता सेल नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो उनकी इन्वेंट्री में शामिल हो जाएगा सो so, इन्वेंट्री भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है बट ये अन इंटेंडेड जो इन्वेंट्री में इजाफा होगा ये अनडिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट होगी तो इसलिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमेशा जो सप्लाई के बराबर होगा लेकिन डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर सप्लाई से डिफरेंट हो सकता है उससे कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है कम होने की सूरत में इन्वेंट्रीज अन इंटेंडिड इन्वेंट्रीज में इजाफा हो जाएगा और अगर डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उस सूरत में अन इंटेंडेड जो इन्वेंट्रीज में कमी हो जाएगी उसमें टोटल इन्वेंट्रीज में कमी हो जाएगी सो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन नीड नॉट होल्ड ऑलवेज बट दिस एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज होल्ड ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्यों होल्ड करेगी क्योंकि आपकी अगर डिसाइड डिमैंड टोटल उसके इक्ल नहीं है तो फिर अन इंटेंडेड इन्वेंट में जो चेंजेस हैं वो इन दोनों को इक्वल कर देंगे गुड्स मार्केट एक रिप्रियम को हम एक और तरह से भी कर सकते हैं अभी तो हमने बात की थी कि टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओके डिमांड साइड पर हमने तीनों कंपोनेंट लिए थे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेकिन अगर आप उसको रीअरेंज करेंगे तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एस डी डिजायर्ड सेविंग इज इक्वल टू डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट यानी टोटल डिजायर्ड सेविंग को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस डिजायर्ड कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ये आपके पास डिजायर्ड सेविंग आ जाएगी और गुड्स मार्केट के एक के लिए जरूरी है कि ये डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो ग्राफिकली अगर हम इसको समझना चाहें हॉरिजेंटल एक्सेस पर हम डिजायर्ड नेशनल सेविंग और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वर्टिकल एक्सेस पर रियल इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं सो गुड्स मार्किट का एक कैसे होगा कौन सी फोर्स इसको डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल करेगी इंटरेस्ट रेट इनफैक्ट डिमांड एंड सप्लाई को बराबर करेगा सो so, इन्वेस्टमेंट का कर्व आप देख रहे हैं नेगेटिवली स्लोप्ड हम जानते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है यूज़र कॉस्ट कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट में इजाफा इंटरेस्ट रेट में कमी से इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है सो दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड सेविंग का पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप अगर थोरेटिकली एम्बिगस है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सबस्ट्रिशन इफेक्ट है इनकम इफेक्ट है और वो बाज़ों में अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है और बाज केस में वो सेम डायरेक्शन में तो वो थोरेटिकली लेकिन एम्पेरिकली हम जानते हैं कि देर इज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड सेविंग तो पॉजिटिवली स्लोप कर वे और पॉइंट ई e पर यह दोनों इंटरसेकट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि सिक्स परसेंट इंटरेस्ट रेट पर गुड्स मार्केट क्लियर हो जाती है गुड्स मार्केट में टोटल सप्लाई इज इक्वल टू द टोटल डिजायर्ड डिमेंड ये इक्वल हो जाती है लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट स्लेट से थ्री परसेंट है इस पर क्या सूरत हाल है सेविंग कम है ओके okay? और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग क्यों कम है क्योंकि अब सेविंग का इंसेंटिव कम हो गया ना इंटरेस्ट रेट कम हो गया लोगों के लिए सेव करना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा तो सेविंग कम होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट चूँकि लोगों फॉर्म्स को आप लोनेबल फ़ंड्स रिलेटिवली सस्ते मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इस सूरत हाल में क्या होगा फिर अब ये मार्केट गुड्स मार्केट आउट ऑफ इक्ब्रियम है आउट ऑफ एक्बरीम का मतलब क्या है कि गुड्स मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और इसकी सप्लाई कम है अब ये कैसे इक्वल होंगे इंटरेस्ट रेट के थ्रू ये इक्वल हो जाएंगे जब बहुत सारी फॉर्म्स इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो वो लोनेबल फंड्स के लिए ट्राई करेंगे और उससे इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा और उस इजाफे से फिर दोनों तरह से ये वर्क करेगा सेविंग को बढ़ाने का ज़रिया बनेगा और इन्वेस्टमेंट को कम करने का ज़रिया बनेगा और अल्टीमेटली ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे गोड्स मार्केट की एकब्रियम किस तरह से होती है इंटरेस्ट रेट के जरिए से इंटरेस्ट रेट गड्स मार्केट में सप्लाई और डिमांड को बराबर करता है और इससे हमें इनडायरेक्टली हमें ये भी पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट क्यों फ्लक्चुएट करते हैं और उसमें कैसे वो कैसे डिटरमिन होता है सो so, इसी बात को हम इन नंबर से टेबल की मदद से भी हम देख सकते हैं इसमें हम दो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं थ्री परसेंट एंड सिक्स परसेंट टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स वाई आउटपुट इसको फिक्स किया हुआ है इसमें कोई चेंज नहीं आ रही ठीक है और इसी तरह हमने गवर्नमेंट परचेजेस को भी कांस्टेंट रखा हुआ है गवर्नमेंट परचेजेस भी आप जानते हैं कि ये ये एक तरह से गवर्नमेंट के कुछ और पॉलिटिकल या कुछ और उनके मोटर्स होते हैं जिससे वो अपनी स्पेंडिंग को डिटरमिन करती है तो इसलिए हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी फिक्स किया है और आउटपुट क्यों फिक्स है कि हम कंज्यूम करते हैं कि इकॉनमी इज़ एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो डिमांड साइड के बाकी दो कंपोनेंट जो हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट उनकी वैल्यूज आप देखें जब इंटरेस्ट रेट थ्री परसेंट है तो कंजम्पशन जो है वो दो हज़ार एक सौ पचास है और जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया तो कंजम्पशन में कमी हो गई कमी होने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ी है तो उसके नतीजे में सेविंग अट्रैक्टिव होगी लोगों ने सेविंग इंक्रीज़ कर दी है तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन डिज़ायर्ड कंजम्पशन कम होगी लेकिन इंटरेस्ट रेट में इस इजाफे का अगर आप इन्वेस्टमेंट पर डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट पर इम्पेक्ट देखेंगे तो वो नेगेटिव होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो वो पंद्रह सौ से कम होकर एक हज़ार होगी तो ये सेकेंड लॉस कॉलम में हमने डिजायर्ड सेविंग कैलकुलेट किए ये कैसे होगी टोटल आउटपुट फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस डिज़ायर्ड कंजम्पशन इसमें से ये दो हज़ार एक सौ पचास माइनस करेंगे और माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिफ्टीन तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ रहा है एट फिफ्टी तो डिज़ायर्ड नेशनल सेविंग इज़ एट फिफ्टी जबकि एग्रीगेट डिमांड कितनी बन रही है डिमांड कैसे होगी कंजम्पशन प्लस डिजायड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये तीनों कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ये पाँच हज़ार एक सौ पचास साल है तो सप्लाई चार हज़ार पाँच सौ है और डिमांड पाँच हज़ार एक सौ पचास है और सिक्स परसेंट इंटरेस्ट रेट पर सप्लाई वही चार हज़ार पाँच सौ है लेकिन अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से डिमांड एग्रीगेट भी चार हज़ार पाँच सौ होगी और इससे ये क्लियर हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट के जरिए से गुड्स मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं और गुड्स मार्केट क्लियर हो जाती है थैंक यू